आदरणीय छात्रों, हम लगातार मीडियम मध्यिका या मध्यिका के संबंध में ही पढ़ रहे हैं। मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर चतुर्थ तक की गणना कैसे की जाती है जिसके बारे में आपको समझाया था। आज मैं उसी ग्रुप का दूसरा जो श्रेणी है वो खंडित श्रेणी है, उस खंडित श्रेणी के अंदर चतुर्थक की गणना किस प्रकार होती है इसके बारे में समझा रहा हूँ। सूत्र क्या है कि Q1 फैक्टर 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट n प्लस 1 ओवर 4 ब्रैकेट 1 वे पद का मूल्य, और Q3 ज्ञात करना है तो 3 कोष्टक n प्लस 1 बटे 4 वे पद का मूल्य। यहाँ पर एक उदाहरण दिया रखा है मैंने, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये आकार है और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 9, 6, 4, 7, 10, 5, 4 और 6। आपको मैं लगातार पढ़ा उसको बताया कि जब तक ये खंडित श्रेणी होती है तो खंडित श्रेणी को हम CF के अंदर बदलते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर CF में बदलना होगा। फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी पहले 3 का 3 होगा, 3 और 5 कितना 8, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे, 8 और 9 जोड़ेंगे 17 हो जाएंगे, 17 और 6 जोड़ेंगे 23 हो जाएंगे, 23 और 4 जोड़ेंगे 27 हो जाएंगे, 27 और 7 जोड़ेंगे 34 हो जाएंगे, 34 और 10 जोड़ेंगे 44 हो जाएंगे, 44 और 5 जोड़ेंगे 49 हो जाएंगे, 49 और 4 जोड़ेंगे 53 हो जाएंगे, और 53 में 6 जोड़ेंगे 59 होंगे। ये टोटल हमारा CF 59 है। अब हमें इसके आधार पर खंडित श्रेणी चतुर्थ गणना करनी है, तो चतुर्थी गणना के लिए क्वार्टर 1 का सूत्र जो दिया है n प्लस 1 बटे 4, n जो हमारा है चाहे उसको हम n माने या कुल फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी माने, टोटल f माने, तो बात है कि टोटल f हमारा कितना होगा 59 हो रहा है, तो 59 प्लस 1 बटे 4 59 में 1 को जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 बटा 4, और 60 में हम 4 का भाग लगाते हैं तो 15वें पद का मूल्य होता है। अब देखना है कि हमारे 15वां पद का मूल्य कहाँ है, तो 15 जो संख्या है वो 17 के अंदर जुड़ी हुई है, अर्थात इसमें 15 शामिल है, तो इसका अर्थ ये होगा कि हमारा जो क्वार्टर 1 होगा वो हमारा 8 होगा। उसी तरह से क्वार्टर 3 को देखते हैं, क्वार्टर 3 के अंदर 3 ब्रैकेट 9 प्लस 1 ओपन 4 कोष्टक बंद है। मैंने अभी बताया कि n का आपका टोटल CF भी होगा या फ्रीक्वेंसी का कुल होगा, तो 59 प्लस 1 बटे 4, तो हमने कोष्टक खोला 3 × 60/4, 4 को काट डाला हमने 60 से 15 से, 15 को 3 से किया 45 हुआ, 45 के पद का मूल्य हुआ 4500 पद जो है वह 49 के अंदर है, और 49 के अंदर होने से इसका जो आकार होता है वो 13 होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा क्वार्टर 3 13 है। इस तरह से आप खंडित श्रेणी के अंदर चतुर्थक में क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 को किस प्रकार निकालते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जब कभी भी खंडित श्रेणी के अंदर चतुर्थक को ज्ञात करना है तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का CF करना बहुत ही आवश्यक है। उसी तरह से व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर मैंने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है या जो संबंध दे रखे हैं उस संबंधों को हम आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में जमाएंगे तभी हमारा ये मध्यिका ज्ञात होगा या चतुर्थक ज्ञात होगा। इसी तरह खंडित श्रेणी के अंदर भी हमें जब चतुर्थक निकालना है तो CF करना बहुत ही अति आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सतत श्रेणी के अंदर किस तरह से चतुर्थक की गणना की जाती है इसके बारे में आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।